हे गाइस, आपका सीता की रसोई में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज मैं आपको आलू बैंगन का सूखा फ्राई सब्जी सिखाने जा रही हूँ, जो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। ये छोटे छोटे टुकड़ों में तीन बैंगन को मैंने काट के धो के रखे हैं, ये दो तीन लहसुन कूट के रखे हैं मैंने, ये दो हरी मिर्च काट के रखे हैं, और उबले हुए आलू को जो तीन थे आलू मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, एक प्याज छोटे टुकड़ों में कटा हुआ है, एक टमाटर, ये काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और बाकी के मसाले मैं मिक्स करूँगी, आप देखना। अभी कढ़ाई की ओर चलते हैं। ये कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी। ये जीरा हल्का फ्राई हो जाएगा, फिर मुझे कटा हुआ प्याज इसमें डालना है। जीरा जल गया है, अब इसमें मैं हरी मिर्च, लहसुन, ये कटा हुआ प्याज, थोड़ी देर इसे ब्राउन होने तक भून लेंगे, इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, प्याज जलाना नहीं है हमें, बस थोड़ा पिंक होने तक भून लेंगे। फिर टमाटर इसमें ऐड कर लूँगी। प्याज भून के तैयार हो गया है, इसमें मैं टमाटर जो कटा हुआ था वो मिक्स कर दूँ। टमाटर को पकने के लिए थोड़ा सा हम अंदाज से नमक डाल लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अब हम थोड़े से जोड़ी मसाले मिला लेते हैं, इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको मिक्स करके अब मैं आलू मिक्स करने जा रही हूँ इसमें। ये मैंने इसमें आलू मिक्स कर दिया है, अच्छी तरह से चला के मिक्स कर दें इसमें मसालों में, और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम जलने लगे तो स्लो कर देना है। अभी आलू के लिए थोड़ा नमक मिक्स कर देते हैं। दो चार मिनट पकने के बाद इसे बैंगन मिक्स कर देंगे, अभी ढक देते हैं थोड़ी देर। 5 मिनट हो गए हैं, अभी इसमें मैं बैंगन मिक्स कर देती हूँ, और इसके लिए भी हम लोग स्वाद अनुसार नमक मिक्स कर देंगे। और इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक देंगे इसे, ताकि बैंगन भी पक जाए। ये सब्जी अब हमारी तैयार हो गई, 5 मिनट बैंगन को पकने में लगा। इसमें मैं मैजिक मसाला मैगी वाला डाल देती हूँ थोड़ा सा, इससे और भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। इसको लोग
पूरी के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, इसे लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में पूरी के साथ, पराठे के साथ बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। ट्राई कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने कटोरी में निकाल के दिखा रही हूँ, ये तैयार हो गया है खाने के लिए। आप भी ट्राई कीजिए, फिर बताइए आपके घर में सबको कैसा लगा। धन्यवाद।